अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ शादियों में पकने वाला दम मुर्ग, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे खाएंगे तो उंगलियों को चाटते हुए रह जाएंगे। ये खास करके शादियों में बनती है, तो चलिए आज हम इसे घर पर बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन, 1/4 कप कर्ड, 1 कप दूध, 2 टेबल स्पून देसी घी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कुछ गरम मसाले, जीरा, शाही जीरा, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च और 1/2 इंच का दालचीनी। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इस गरम मसाले का हम पेस्ट बना लेंगे। तो चिकन में सबसे पहले मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च और 3 से 4 लौंग डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो गरम मसालों का पेस्ट बनाया है उसे डाल दूँगी। फिर 1 कप दूध डाल देंगे। फिर उसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी से टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है फ्रेंड्स, तो घी के जगह तेल का इस्तेमाल ना करें। फिर 1 कप दही को डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करना चाहते हैं तो भी करके फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इधर मैंने एक प्याज का ब्राउन कर लिया था और मैंने लिया है 4 से 5 काजू, 1/2 टेबल स्पून मगज सीड और 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और मैंने प्याज और काजू और मगज सीड का पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को मैं तेल में डाल दूँगी और इसे 10 मिनट तक भून लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इसे 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी डिश है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा भून रहा है। आप इसे घर पर ज़रूर बना करके ट्राई करें, ये बहुत ही लाजवाब डिश बनती है। अब मैं मैरिनेटेड चिकन को इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर ढक करके पका लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए और चिकन भी गल जाए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे और इसमें 1 कप पानी भी डाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाए। बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं करनी है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। दूध की ही ग्रेवी बनाएं, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल छोड़ दिया है और हमारी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, मैं आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का वेट करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।